अरे डॉक्टर साहिबा, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, क्या बात है। कमाल कर दिया। हाँ वो तो आपको देखकर लग ही रहा है, और हमने आपको दवा दी थी, कैसे असर ना करते। ना 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 ना, एक्चुअली दवा नहीं, ये मेरी प्यारी दोस्त के अनकंडीशनल लव एंड केयर का असर है। यू नो इसलिए फूट फूट के, यू नो फूट फूट के दिख रहा है सब बात। यू नो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। मैं कोई मदद कर दूं? ये क्या, एक सेकंड, ये पैकिंग शैकिंग क्यों हो रही है भाई? कहीं जा रही हो क्या तुम? वो हम आपको बताना भूल गए थे, एक इमरजेंसी केस है, हमारे कॉलेज के डीन का फोन आया था, तो खास बुलाया है इस केस के लिए, तो इसीलिए जाना जरूरी है। एक मिनट, कुछ भी बकवास मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे मेरी और अग्नि की शादी हो रही है और तुम ना रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल, कहीं नहीं जा रही तुम। किशन प्लीज, हम नहीं रोक पाएंगे, हमारा मतलब है कि हमारा जाना जरूरी है, हम नहीं जाएंगे तो। नहीं तो क्या, टेल मी, कहां है तुम्हारा फोन? गिव मी फोन। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे डीन से बात करता हूँ। किशन ठाकुर तुम्हारे डीन से बात करेगा, और तुम्हारी ये जो क्या विजिट, केस विजिट कैंसिल कर दूंगा मैं। वेट, दिस आई वांट थिंग। ना ना ना, किशन प्लीज हमारी बात समझिए। मुझे तुम्हारी कोई बात समझने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर तुम गई तो मेरी शादी बाद में होगी, अब नहीं होगी। मैं भी जाके सबको बोल देता हूँ कि शादी पोस्टपोन करो। ओके, सुनो, शादी पोस्टपोन। किशन प्लीज एक मिनट रुकिए। नहीं, मैंने सोच लिया, मेरी शादी तुम्हारे बिना नहीं होगी। किशन ने क्या बचपन आया, प्लीज हमारी बात को समझिए ना। अरे जल्दी बोलो ना, कांट यू सी, मतलब मैं कितना उतावला हो रहा हूं अग्नि से शादी करने के लिए। सब कुछ तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम पे डिपेंड होता है, कम ऑन से समथिंग। ठीक है बाबा, नहीं जाएंगे। यस, थैंक यू। हाँ किशन कुछ करे और वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो सही कह रहे हैं भैया, भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हो जाएगा ठीक, सही है लड़का वो। हाँ तो ये ठीक है, कितना अच्छा हुआ ना अम्मा जी, आखिरकार किशन और अग्नि की शादी हो ही रही है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लगेगा ना अग्नि के गले पर। स्टॉप, दरोगा जी कहाँ थी आप? एंड लिसन टू मी, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन एकदम पागल, एकदम क्रेजी है, शादी छोड़ के जा रही थी वो हमारी। हाँ वो तो मैंने रोक लिया उसे, बोल के केस विजिट पे जाने किसी हॉस्पिटल, बट मैंने मनाया ना तो मान गई, टाल नहीं पाई मेरी बात को। सही कहा वो, आपकी बात कभी नहीं टाल सकती। बेस्ट फ्रेंड जो है मेरी, बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बेस्ट फ्रेंड। ये तो है, यू नो वॉट, योर सिस्टर ना क्रेजी क्रेजी एकदम पागल है, पागल मतलब अव्वल दर्जे की पागल। कल मुझे जरा सा शौक क्या लग गया, टेंशन में आ गई, रोने लगी, कैन यू बिलीव दैट। याद है आपको पार्किंग लॉट में जब वो गुंडे पीछे पड़ गए थे, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वो आपके आगे आ गई थी, हाथ जब जला था तो खुद का जला हुआ हाथ छोड़ के वो आपके जले हुए हाथ पे फूंक मार रही थी, बहुत परवाह करती है वो आपकी। हाँ ये बात तो तुमने एकदम सही की, साक्षी बहुत स्वीट है और बहुत ही कमाल की लड़की, मतलब शी इज आउटस्टैंडिंग। हाँ थोड़ी गुस्सेल है, क्या करें, उसका काम ही है, लेकिन ना जब वो प्यार करती है ना, खुले दिल से करती है, खुले मन से करती है वो, और देखना वो जिसके भी लाइफ में जाएगी ना, वो इंसान बहुत ही लकी होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर मैं साक्षी से पहले मिला होता ना, दिल दे दिया होता उसे मैंने। लेकिन क्या करें, ऐसा हुआ नहीं, साक्षी की जो किस्मत है ना, बैड, खराब है, अनलकी। अब क्या करें, उसकी बहन जो है जिसका नाम अग्नि है, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी सी, जिसे मैं अपना दिल दे बैठा, वरना हाँ क्या पता किस्मत और डेस्टिनी और सिचुएशन कुछ और होती, मेरा दिल साक्षी के पास और जिंदगी चेंज हो जाती। I'm kidding. It's a joke. अरे बातें करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अब जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है।
हेलो दरोगा जी, शादी नहीं करनी आपको हमसे? करनी है ना, तो प्लीज जाइए और जाके तैयार हो जाइए ना। अग्नि, सबका आशीर्वाद चाहिए था, प्यार चाहिए था ना, मिल गया, चले। तो दिमाग घुमा दिया हमारा। जो भी इस घर में हुआ है ना, वो मैं कभी भी दोबारा नहीं होने दूंगा। किसी का भी हक नहीं कि वो तुम्हें इंसल्ट करे, स्पेशली वो किशन। उसे तुम्हें तुम्हारे आसपास बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। उसे हम लगता है नाटक करने वाले इंसान को जोकर बनना पड़ता है, इसीलिए उतना ही नाटक करो जितना जरूरी है। हमारे गांव में ना एक कहावत है, रसोई का दरवाजा चाहे खुला ही क्यों ना हो, लेकिन बिलौटे को अंदर आने का हक बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझे? अच्छा, काम निकल गया तो अब जुबान निकालने की कोशिश हो रही है। याद है या भूल गई? बीवी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे तुमसे शादी करनी है। Really? You want to marry me? यार मैंने तो सिर्फ कॉफी के लिए कहा था, लेकिन तुम तो चेप ही हो गई। मतलब एक हैंडसम पैसे वाला लड़का दिखाने के अपने पुराने प्यार को मार फेंक दिया। जुबान में हड्डी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जहां चाहे घुमा लो। पूरी बात सुनी? नहीं सुनी ना? पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद जितने मर्जी मन में लड्डू होंगे ना, वो अकेले बैठ के खाते रहना। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बात पता है। क्या है ना, मुझे लगता है कि तुम मुझसे ना प्यार करने लगी हो और अब तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। उफ अग्नि, ये तुमने क्या कर दिया। अब मैं हर उस लड़की से शादी तो कर नहीं सकता जो मुझसे प्यार करती है ना। ऐसे कौन हेल्प मांगता है अग्नि? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हमारे दिमाग में ये शक का कीड़ा आया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, वो कीड़ा निकाल देता हूँ। जाओ, जाके कर लो किचन से शादी और तोड़ दो अपनी बहन का दिल। शायद तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और ये शादी असली नहीं, नकली होगी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। बाकी की सिचुएशन तो तुम जानते ही हो। लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम ही तो सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हो ना। अब तुम्हें मौका मिल रहा है अपने मन की करने का। और तुम्हें कौन सा किशन, साक्षी या घर के किसी भी परिवार के सदस्य से कुछ लगाव है? पॉइंट तो है तुम्हारी बात पे, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
हम इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। कुछ भी इसके अलावा कुछ भी। Don't worry. This is not Sameer's style. मैं मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, but मैं सामने वाले को जरूर मजबूर कर देता हूं कि वो मेरे पास आ जाए। क्यों आई हो यहां? चली जाओ यहां से साक्षी। चले जाएंगे लेकिन बिना ड्रेसिंग किए नहीं। बेहतर होगा कि आप शांत हो जाएं और हमें ड्रेसिंग करने दें। हाथ का सॉरी चल रहा होगा ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कि ये छोटी सी चोट की जलन मुझे तकलीफ देगी? तकलीफ देगी ये मुझे? यहां जलन हो रही है मुझे, मेरे दिल में जलन हो रही है बहुत। बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इश्क़ अग्नि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी अग्नि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता होगा ना? तुम्हें पता होगा ना उसने क्यों किया? अचानक से तुम दोनों बहनों के बीच में प्यार उमड़ पड़ा, इतना सारा प्यार करने लगी दूसरे से, सारी नफरत खत्म हो गई। तुमने तो सब कुछ त्याग दिया उसके लिए, है ना? सब कुछ छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया। तो बताओ ना, कुछ तो बताओ का, प्लीज बोलो ना, एक बार बोलो ना, क्यों? कुछ तो बोला तुम्हें, तुम बताओ ना, मुझे बताओ ना, कुछ बोल दो, कुछ हिंट दे दो, कुछ बताओ ना, बोलो ना यार। प्लीज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ सर, एक बार बस एक बार मुझे बता दो ना उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तुम ना चली जाओ, स्केट आउट, लीव मी अलोन, यू नो, क्योंकि तुम मैंने जो कुछ भी कहोगी मैं उस पर विश्वास नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। कोई मुझे कुछ भी कहे मैं आज के बाद किसी का भरोसा नहीं करूंगा, खास करके तुम दोनों बहनों का। जस्ट लीव नो। अरे बिटिया साक्षी, सविता तुम जाओ जी। साक्षी बेटा यहां आओ, हमारे पास बैठो। अग्नि के बारे में हम पहले से जानते थे कि अग्नि विश्वास के लायक नहीं है। घर परिवार रिश्ते नाते इन सब का कोई मोल नहीं है उसकी जिंदगी में, उसे किसी की परवाह नहीं है। किशन ने उसे कितना प्यार किया, उसे कितना चाहा, और अग्नि को 2 मिनट नहीं लगे मेरे बेटे को छोड़ के जाने में। निहायत ही स्वार्थी लड़की। बड़ी माँ हम अग्नि के बारे में बात नहीं करना चाहते, नहीं सुनना चाहते। आप प्लीज मत बोलिए, हम हाथ जोड़ते। अच्छा ठीक है, हम अग्नि के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? किशन बिल्कुल तरह से टूट चुका है इस वक्त। तुम अगर अपना ध्यान नहीं रखोगी तो फिर किशन का सहारा कैसे बनोगी? उसे एक सहारे की जरूरत है, उसे एक दोस्त की जरूरत है इस वक्त।
जा उसके कमरे में जा। नहीं बड़ी माँ, किशन चाहते हैं कि हम उनके सामने ना आए, वो अकेला रहना चाहते हैं। उसने बोल दिया और तुमने मान लिया? बेटा वो इस वक्त टूटा हुआ है, गुस्से में है। हमारा कहना मानो, उसे इस वक्त एक सहारे की जरूरत है, एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तुम जाओ उसका सहारा बनो। नहीं बड़ी माँ, पहले हमने किशन को तकलीफ पहुंचाई और अब अग्नि ने उनका दिल तोड़ दिया। पहले हम जबरदस्ती उनकी जिंदगी में घुस गए और अब अग्नि बिना बताए उनको छोड़ के चली गई। पर अब वही होगा जो किशन चाहते हैं, उनकी मर्जी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। गोयनका वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अरे ये तो बहुत जरूरी केस है ना। हाँ, केस की हियरिंग भी आज ही है। हाँ आज ही तो है। और से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स जो है वो तो इस लैपटॉप में सेव होंगे, राइट? हाँ, तो? तो तुम मुझे बीवी बुलाते हो ना, और बीवी का तो काम होता है कि वो अपने पति की सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल करे, है ना? तो हम क्या सोच रहे थे कि ये लैपटॉप में ना देखो कितनी धूल जम गई है। छी, आप साफ नहीं करते हो। काम करते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं। बहुत जरूरी सामान है, क्या कर रही हो? डोंट डू दिस। बहुत जरूरी फाइल्स है, बहुत जरूरी। हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई हमारे कमर में हाथ लगाने की तुम्हारी? कैसे हुई हिम्मत? हाँ, क्या खाना खाना चाहते थे हमारे हाथ से? खाना खाना चाहते थे तुम हमारे हाथ से? कोशिश भी मत करना हमारे से ये फालतू की हरकत करने की आगे से। और क्या, होठों को, होठों पे कुछ लगा था? तुम पोछोगे, वो तुम पोछोगे। ये लैपटॉप ना अभी डाल देंगे, अगर आज के बाद हमसे ये फालतू की हरकत की तो हम ये सारे फाइल्स उड़ा देंगे, समझे तुम? एक्टिंग 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 करा था मैं, तुम्हारे लिए करा था ताकि लोगों को बाहर लगे हम हस्बैंड वाइफ है। हटाओ उसे वहां से। अपने किए के लिए सॉरी बोलो। व्हाट? सॉरी मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सॉरी। मत बोलो, ठीक है? ये देखो, सॉरी सॉरी, यू सॉरी, लेकिन हमें वो प्लीज प्लीज सुनाई नहीं आया अभी हमें। प्लीज बोलो, प्लीज। हाँ नहीं, सुनाई है। प्लीज प्लीज, एक बार सुनाई नहीं आ रहा है, जोर से बोलो ना। प्लीज सॉरी, प्लीज सॉरी। ये बोला क्या? प्लीज सॉरी। सॉरी हिंदी पढ़ने आती है? आती है हिंदी पढ़ने? पढ़ो इसको, पढ़ो। क्या ये रूल्स? रूल नंबर वन, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। रूल नंबर टू, तुम बिना कपड़ों के नहीं सोओगे। रूल नंबर थ्री भी है, एक दिन बेड पर मैं सोऊंगी, एक दिन तुम। वो मैं नहीं पढ़ रहा ये बकवास, मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ, मैं किसी के रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। और आज से ये रूल्स चेंज होंगे, नहीं तो डन डील। डन डील, लैपटॉप वहां रखो। डन, ओकी डोकी। पतिदेव, और कोई सेवा? नो थैंक्स। अब तक तुमने जो करना था कर लिया। Now wait and watch, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पतिदेव, कुछ बड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। नहीं, क्योंकि हमें सब सुनाई पड़ रहा है। अब मजा आएगा। Cause I am like that। मन तो कर रहा है समीर को ना थाने बुला के इतना कूटे फिर पता चलेगा इसको। हमें मैसेज कर रहे कि बरामदे तक आओ। क्यों जाए हम बरामदे तक? जाना भी पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। कहाँ पे है ये? हस्बैंड
हस्बैंड बनने का नाटक मत करो हमारे सामने। रूल्स तय किए ना हमने, क्या था रूल नंबर वन? यही था ना कि तुम चिपकोगे नहीं, टच नहीं करोगे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? रूल्स, रूल्स ना, एक पति को अपनी पत्नी को टच करने के लिए रूल्स से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं अग्नि, शादी करने का नाटक तुम्हारी शादी हुई ही नहीं है अग्नि। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं वो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हमें इस तरीके से यहां बुलाने का क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब है ही नहीं, मेरा बस एक मकसद है। और मेरा मकसद यह है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाके रख दूं। बस सच्चाई यही है कि समीर हमारे पति हैं और हम समीर की पत्नी। वाह, शादी के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं यार। दोनों को इंजेक्शन देना पड़ेगा और जिस इंजेक्शन का नाम बोला हमने वो दादी के रूम में देखा, हम फटाफट लेकर आते हैं। संभालो साक्षी, प्लीज जल्दी आओ साक्षी। किशन, गॉड, साक्षी। अग्नि एक प्रॉब्लम है। क्या? इंजेक्शन की सिर्फ एक डोज है, दोनों में से किसी एक को इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक इंजेक्शन? इंजेक्शन तो दोनों को देना है ना, अब क्या करें हम? गॉड, भगवान, क्या करें साक्षी? समीर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे समीर, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। समीर वो ठीक है किशन? आप हाँ,
समीर ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। नींद का डोज दिया था मैंने उसे, वो भी लाइट, और मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो क्या ना, मैं देखना चाहता था कि तुम समीर से कितना प्यार करती हो, और मैंने देख लिया। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। सारा तमझा मेरा ही है, सारा प्यार मेरा ही है, तुम तो कहीं थी ही नहीं। बस बहुत तमाशा बना लिया तुमने, तुम्हारे शक के नाम पर हमारे प्यार का। कई बार तुमसे बोल चुके हैं कि हम समीर से प्यार करते हैं, करते हैं, करते हैं। क्यों हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे हो तुम? अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो, और हम तुम्हें अब कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, समझ गए तुम? कोई प्रूफ नहीं देंगे। आई डोंट केयर तुम क्या सोचते हो।